अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। ये गोश्त धो लिया था मैंने, इसको फ्राई कर रही हूँ और ये सब मसाले निकाले हैं, गरम मसाले और रेड पाउडर, धनिया, हल्दी, टमाटर्स काटे हैं और ये प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, तेज पत्ते, दालचीनी, जायफल, जावित्री, लौंगे, ज़ीरा, छोटी इलायची, लौंगे और ये जायफल सब कुछ मैंने डाल दिया है इसमें गोश्त में। और अब ये मसाले डाल रही हूँ मैं। बिरयानी गोश्त में तो ये सब मैं एक साथ डाल दूँगी और ये गोश्त भी एक साथ गल जाएगा और भुन भी जाएगा। ये नमक, हल्दी वगैरह सब डाल दिया इसमें, तो ये एक साथ तैयार हो जाएगा मसाला भुनकर और गोश्त भी गल जाएगा। चिकन तो जल्दी गल जाता है। और ये टमाटर डाल रही हूँ मैं, ये मैंने काट लिए थे धोकर, गोल काटने चाहिए, टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और प्याज भी अगर काट के डालनी है तो गोल काटकर डालिए, उससे जल्दी गल जाते हैं ये, और टमाटर प्याज दोनों। तो मिर्च हरी बाद में डालूँगी मैं, इतने ये गोश्त गल जाए। ये प्याज है, मैंने पीस ली थी पहले ही, और अदरक लहसुन का पेस्ट सब पीस लिया था। अभी मेरा मसाला भुन गया था, गोश्त भी गल गया था, बहुत टेस्टी बना था और कलर भी बहुत अच्छा आया था। ये मैं लेयर लगा रही हूँ, चावल और फिर ये गोश्त, और फिर चावल डालूँगी, फिर गोश्त की लेयर लगाऊँगी। तो ये सब जल्दी तैयार हो जाता है, चिकन तो वैसे भी जल्दी गलता है। और ये सब कुछ एक साथ डाल दिया था मैंने, घी मसाले वगैरह सब, तो ये सब तैयार हो गया। बिरयानी तैयार हो गई है, बस ये आखिरी लेयर है, आखिरी लेयर लगा रही हूँ। ये बिरयानी मेरी तैयार हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, टेस्टी। तो कलर भी इसमें सब डाल दिया था, केवड़ा वगैरह मैंने कलर में करके, और हरा धनिया जिससे डेकोरेट कर दिया था, तो बहुत अच्छी लग रही है। ये दही, साथ में दही अच्छी लगती है बिरयानी के साथ में। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी है आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत।